गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी एंड आज की वीडियो में जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूं वैकेंसी, वो इंफोसिस की तरफ से है। तो आपको जितनी वीडियो मिलती है आप लोग तुरंत अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये जो जॉब है जो भी है बहुत जल्दी लिंक जो होता है वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपको जैसे ही मिले मेरी वीडियो आप लोग फटाफट से इसको अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंफोसिस की जो आई है, यहाँ पर आपको रोल की हम बात करें, यहाँ पर सिस्टम इंजीनियर या फिर ऑपरेशन एजुकेटिव का आपको रोल मिलेगा, यानी कि आपको प्रोफाइल मिलेगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर बीटेक किया है आपने, एमटेक किया है, एमसीए किया है, एमएससी किया है, बीएससी किया है, बीसीए किया है या फिर डिप्लोमा किया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर अगर आपने डिप्लोमा भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कुछ ब्रांच जो है स्पेसिफिक नहीं बोला गया है, तो यानी कि आप किसी भी ब्रांच के, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हो तो भी आप फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद से देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे अगर आप 2019, 20 या 2021 के हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यानी कि तीन बैच हैं दिए गए हैं, आप इन तीनों बैच में से किसी में भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 3.5 LPA बोला गया है सैलरी। और यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर लोकेशन की बात करें तो ये आपको इंडिया में भी कहीं भी आपको लोकेशन दिया जा सकता है। अभी ये लोकेशन यहाँ पर बताया कंफर्म नहीं गया है। उसके बाद से यहाँ पर जो बाकी सारी प्रोसेस होंगी वो सभी आपकी वर्चुअल होने वाली है, यानी कि एग्ज़ाम भी आपका वर्चुअल होगा, यानी कि सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होगी। एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, इंटरव्यू भी ऑनलाइन होगा। उसके बाद से सिलेक्शन होती है तो आपकी जो ट्रेनिंग चलेगी या फिर आपको जो जॉब चलेंगे वो भी अभी ऑनलाइन ही चलेंगे, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है तो इस वजह से कोई भी आपको वहाँ ऑफिस पे जाके नहीं करना है, सब चीज़ें आपको यहीं से करनी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हैं। अगर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आपको ये फॉर्म अप्लाई करना कैसे, ठीक है। सारी डिटेल्स मैंने आप लोग को बता दी है। इसके बाद से क्या करना है, जो मैं आपको लिंक दूंगी आपको इस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इसी पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, फिर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिल कर लेते हैं, यहाँ पर फिल करते हैं पहले रोल नंबर, तो ठीक है। तो ये हो गया फोन नंबर, सॉरी रोल नंबर। इसके बाद से आपको यहाँ पर फिल करना है नेम, तो यहाँ पर अपना नेम फिल कर लेना। उसके बाद से मिडिल नेम है तो आप फिल कर सकते हो, नहीं है तो नहीं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद से लास्ट नेम आपको फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद से आपको यहाँ पर नंबर देना है, तो यहाँ पर आप अपना नंबर दे दोगे। उसके बाद से आपको यहाँ ईमेल एड्रेस देना है, देखिए aadivakar.ac.in@gmail.com। ओके, तो यहाँ पर हो गया आपका ईमेल एड्रेस। इसके बाद से आपको यहाँ पर चूज़ करना है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पहले चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको ईयर चूज़ करना है, ईयर के बाद से आपको यहाँ पर चूज़ करना है मंथ एंड देन डे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद से आपको यहाँ पर एड्रेस के लिए पहले यहाँ पर आपको फिल करना है हाउस नंबर, तो यहाँ पर आप हाउस नंबर फिल कर लोगे। उसके बाद से नीचे बाकी चीज़ें दी हैं, सेकेंड में ऑप्शनल है, आप फिल करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद से यहाँ पे स्टेट यानी कि गली, ओके, तो ये भी हम लोग फिल करते हैं, यादव टोला। ओके, तो ये आपका हो जाएगा एड्रेस। इसके बाद से आपका आ गया सिटी, तो आप यहाँ पर सिटी फिल कर लोगे, गोरखपुर आपका जो भी सिटी होगा। उसके बाद स्टेट आपको फिल करना है। उसके बाद से यहाँ पर आपको पिन कोड फिल करना है, कंट्री में इंडिया, इंडिया करने के बाद नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बहुत सी बेसिक चीज़ें बोली गई हैं, आप लोग इजीली अपना फिल कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको 10th क्लास की डिटेल्स फिल करनी है कि आपका 10th क्लास में कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पर 10th क्लास की डिटेल्स फिल कर दे। उसके बाद वो 10th क्लास आपका इंडिया में ही है, स्टेट तो उत्तर प्रदेश,
आप 10th क्लास जहाँ से किए हो उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। बोर्ड आपका क्या था, तो यहाँ पर सीबीएसई, आपके जो भी बोर्ड होंगे वो आप यहाँ पर फिल कर दोगे। उसके बाद आपको अपने इंस्टीट्यूट का नेम फिल करना है, जेनिथ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग लिख करना है, तो मेरे भाई 2014 में किया था पास आउट। यहाँ पे आप 10th क्लास पर डाल लोगे। उसके बाद से यहाँ पर आता है 12th का, तो यहाँ पर 12th में आपके कितने मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर कंट्री, सेम वही जो अभी आप ओपन फिल किए हो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी फिल करनी है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद से आपको यहाँ पर बोर्ड फिल करना है, सीबीएसई। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम, तो वही ऊपर आप जिस इंस्टीट्यूट से, अगर जरूरी नहीं है, बहुत बच्चे होते हैं कि जहाँ से 10th करते हैं वहीं से 12th नहीं करते हैं, तो अगर आपने 10th कहीं और से किया है और 12th कहीं और से किया है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर फिल कर लेना, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ ये है कि 12th कौन से ईयर में आपने पास आउट की है। उसके बाद से आपको यहाँ डिप्लोमा, अगर आपने किया है तो आप फिल कर सकते हो, ऑप्शनल है, नहीं किया है तो आप इन्हें स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद से आता है आपका ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में अभी तक अगर आप 2021 में पास आउट होने वाले हैं तो अभी तक में आपका जितना भी परसेंट है वो आप यहाँ पर फिल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, उसके बाद से यूनिवर्सिटी का नेम, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ओके। तो यहाँ पे आपको फिल करना है अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का नेम, ठीक है। सबका यूनिवर्सिटी का नेम अलग होता है, कॉलेज का नेम अलग होता है। अगर किसी का यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नेम सेम है तो आप वो चीज़ें सेम फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आगे फिल करना है, आप जो बीटेक कर रहे हो वो कहाँ से कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नेम फिल करना है, तो KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ओके। तो ये हो गया हमारे इंस्टीट्यूट का नेम। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, तो यहाँ पर अपना ईयर ऑफ पासिंग कब आप पास करने वाले हैं वो। उसके बाद कोर्स की बात करें तो आप यहाँ पर कोर्स क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर आप बीटेक कर रहे हो, बीटेक एमटेक जो भी आप कर रहे हो वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद से आपको ब्रांच फिल करना है, तो मैं अपने भाई का फिल कर रही हूँ तो यहाँ पे उसका फिल कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ब्रांच बोला नहीं गया है तो मैं अपने भाई को ट्राई कर रही हूँ, अगर हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरा भाई भी 2021 में ही पास आउट करेगा, इसीलिए जो 2021 की होती है मैं सोचती हूँ कि उसकी भी फिल कर दी जाए ताकि उसका भी हो जाए कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस टाइप की आएंगी, आप नीचे आओगे, यहाँ पे आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर जब आप क्लिक करोगे तो इसके बाद से आपको ये कब आप फिल कर रहे हो ये डेट तो आपको ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर प्लेस, तो यहाँ पर अपना प्लेस चूज कर लोगे। उसके बाद से यहाँ पर फुल नेम आपको देना है, ठीक है। तो आपको अपना फुल नेम, एक मिनट, दिवाकर कुमार मौर्या, ओके। तो यहाँ पर अपना फुल नेम एंटर करोगे, उसके बाद आई एम नॉट रॉबर्ट पे क्लिक करके सबमिट कर दोगे, तो ओके। ट्रैफिक लाइट चूज करना है, वेरीफाई, ठीक है। बहुत ही इजी स्टेप था, अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी, आप उसे चेकआउट कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ, फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।